नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुव्रत आर्य है और मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है और इसके लक्षण क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है, क्या डाइट का या खान पान का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कोई रोल है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हिंदी में गठिया बाय या गठिया बाद भी कहा जाता है। गठिया बाय सुनते ही आपके दिमाग में शायद ऐसी एक चित्र आता होगा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो घुटनों में और कमर में दर्द की कंप्लेन कर रहा है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है। इस दिक्कत को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इससे पूरी तरह डिफरेंट चीज है, बहुत अलग चीज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आमतौर पर कम उम्र में प्रभावित करता है, 30 से 50 साल की उम्र में आमतौर पर देखा गया है कि ये बीमारी शुरू होती है और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखा जाता है, लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा देखा जाता है महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले। ये शुरुआत होती है हाथों के इन जोड़ों में, इन जोड़ों में दर्द और सूजन से आमतौर पर यह बीमारी की शुरुआत होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रस्त व्यक्ति बताता है कि जोड़ों में दर्द है, जकड़न है, सूजन है। वो बोलते हैं कि ये जकड़न सुबह सबसे ज्यादा होती है और हाथों में सुबह खोलने बंद करने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है और जैसे जैसे दिन बीतता है ये ज्यादा खुल पाते हैं, जकड़न कम हो जाती है। इन जोड़ों के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी कोहनी, कंधे, घुटने, पांव को भी प्रभावित करता है। इन सब जोड़ों में भी जकड़न, सूजन, दर्द हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जोड़ों के लक्षणों के अलावा कई मरीज बुखार की, थकान की, वजन कम होने की, खून की कमी होने की दिक्कत भी बताते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि उन्हें आंखों या मुंह में सूखापन महसूस होता है और काफी कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मेजर ऑर्गन जैसे कि हमारे हृदय और हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स, इनमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्यों है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी समझने के लिए हम देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कहते हैं। हमारे खून में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका काम है हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करना। इन्फेक्शन से लड़ने में मदद का मतलब है कि जैसे आपको बैक्टीरिया, वायरस या कोई परजीवी का संक्रमण हो गया तो इम्यून सिस्टम हम उनको मार के हमें उनसे बचाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के व्यक्ति में यह इम्यून सिस्टम गलती से या अपना काम ठीक से ना करने की वजह से शरीर के अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती थीं, अब आपके जोड़ों के अंदर जो लाइनिंग है, झिल्ली है, जिसको इंग्लिश में साइनोवियम भी कहते हैं, वहां पर डैमेज करने लगती है और इसी की वजह से वहां पर सूजन, दर्द, जकड़न शुरू होती है। तो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम ही जॉइंट की लाइनिंग को डैमेज कर रहा है। अब बात करें कि ऑटो इम्यूनिटी शुरू क्यों होती है। ऑटो इम्यूनिटी शुरू होने के पीछे कई सारे सिद्धांत माने जाते हैं, यह अलग में ही इतना बड़ा विषय है जिसपे हम विस्तार से बात कर सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि ऑटो इम्यूनिटी का कारण जेनेटिक हो सकता है यानी कि अनुवांशिक, कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन से शुरू हो सकता है और स्मोकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ऑटो इम्यूनिटी शुरू करने के लिए। और कई लोगों में देखा गया है कि गठिया शुरू करने के पीछे स्मोकिंग का भी हाथ है। अब हम बात करते हैं कि क्या डाइट का, खान पान का रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, अगर मैं एक वाक्य में बोलूं तो इसका सीधा सरल जवाब है हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट। हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब है ऐसी डाइट जिसमें सभी तरह के पोषण पदार्थ अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। और हम हेल्दी डाइट का कहने का ये मतलब है कि फैट्स कम हो, घी, बटर, चिकनाई, तेल की मात्रा कम हो, मीठा कम हो, फ्रेश फ्रूट यानी ताज़े फल, ताज़े वेजिटेबल, सब्जियां ज़्यादा हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड देने से आर्थराइटिस का कंट्रोल बेहतर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के नेचुरल सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, आपके नट्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। और नॉनवेज डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है फिश में और फिश ऑयल में। तो ये तो हो गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डाइट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।
कई मरीज मुझसे ये बात पूछते हैं कि हमें चावल आलू दही खट्टा खाने के लिए मना किया गया है। देखिए, अगर आप किस अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो वो लोग इतनी लंबी लिस्ट आपको बताएंगे कि खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज को वो सब अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें कहीं भी सुना जाता है या कहीं उन्हें बताया जाता है। आप सिर्फ उसी चीज़ का परहेज करें जो चीज़ खाने से आपका दर्द बढ़ता है। जैसे कि हो सकता है आप चावल खाएं तो आपको लगता है आपका दर्द बढ़ रहा है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। किसी किसी को दही या आलू से ऐसा हो सकता है, आप उसको अवॉइड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दूसरे के शरीर में दर्द और जकड़न पैदा कर रही है वो आपको भी प्रभावित करे। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो चावल दही आलू आराम से खा सकते हैं, उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, जैसे हमने अभी बात की उसके बारे में। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जॉइंट फ्यूज़ ना हो और उनकी जॉइंट की मोबिलिटी, जॉइंट का फंक्शन नॉर्मल बना रहे। उसके साथ ही आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, आपका वज़न नॉर्मल रेंज में लाने की ज़रूरत है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग के बारे में मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपके गठिया के लक्षण भी बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे और ट्रीटमेंट लेने से उसका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो इफेक्ट आता है, जो दवाइयों का असर आता है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है स्मोकिंग करने से। इसलिए स्मोकिंग बंद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। आजकल की मॉडर्न मेडिसिन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इन दवाइयों को लेने से आप एकदम नियर नॉर्मल लाइफ, एकदम आम आदमी की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितनी जल्दी आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही असरदार ये दवाइयाँ आपके लिए रहेंगी और आगे चल के लंबे समय में कॉम्प्लिकेशन होने का रेट भी बहुत कम होगा। इसीलिए रूमेटोलॉजी के डॉक्टर से या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है और उनको दिखाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके और लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अगर इन दवाइयों के बारे में बात करें तो आजकल खाने की टैबलेट्स और इंजेक्शंस बायोलॉजिकल्स अवेलेबल हैं। खाने की टैबलेट्स को डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, जिन्हें डीमार्ट कहते हैं। इंजेक्शंस आते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल्स कहते हैं। और आजकल एक नई तरह की दवाइयाँ भी आ गई हैं जिन्हें जैकिनिप्स या जैक इनहिबिटर्स कहा जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा असरदार है। आप डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज में है, आपको किस तरह की दवाई चाहिए, वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये सेशन अब ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि इस जानकारी से आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा और अगर आपको लगता है कि जानकारी आपके काम आई है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।